उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बनाए गए अनिल कुमार यादव विवादों में हैं। सूत्रों के अनुसार मामला 200 करोड़ की अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनिल कुमार यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अनिल कुमार यादव को आड़े हाथों लिया। बॉबी पवार ने कहा कि विजिलेंस टीम द्वारा छोटे भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त बड़े अधिकारियों को वसूली एजेंट बताते हुए सेवा विस्तार देकर उनको पुरस्कार दे रही है। बॉबी पवार ने कहा कि शासन द्वारा पहले भी 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी, जिसकी जांच कर समिति ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनिल कुमार यादव पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा था। इसके उपरांत शासन द्वारा विधिक राय भी ली गई थी, उसमें भी कानूनी कार्यवाही की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही भ्रष्ट अधिकारी पर नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, बॉबी पवार ने स्पष्ट किया कि अगर शासन प्रशासन द्वारा तत्काल कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तो वो उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक अवश्य सिखाएंगे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।